वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस, थेरीज और असलाहत है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए अलग अलग तरीके से दिए गए या प्रेजेंट किए गए हैं, जो कि TET एग्ज़ाम बल्कि CTET के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन डेफिनेशंस और माहिर नफ्सियात के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात, एहतसाब, तवारुस, माहौल, तहरीक और शख्सियत को अलग अलग माहिर नफ्सियात के ज़रिए किस तरह प्रेजेंट किया गया है इनका मुताला उर्दू और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी यानी नफ्सियात की डेफिनेशन देखेंगे। नफ्सियात तर्ज अमल और तजुर्बे का इल्म है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है, नफ्सियात इंसानी बर्ताव और इंसानी रिश्तों का मुताला है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, नफ्सियात का ताल्लुक तर्ज अमल की साइंसी तफ्तीश से है, ये मनने का है। साइकोलॉजी कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट है, नफ्सियात उस इंसानी फितरत से मुतालिक है जिसका मुशाहिदा किया जा सके, ये किसने कहा है? गैरिसन और दीगर। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन नेचर, गैरिसन एंड अदर्स। इसके बाद हम एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात का डेफिनेशन देखेंगे। तालीमी नफ्सियात ये नफ्सियात की वो शाख है जिसका ताल्लुक सिखाने और सीखने से है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, ये स्किनर ने कहा है। तालीमी नफ्सियात फ़र्द की पैदाइश से ज़ईफ़ी की उम्र तक के सीखने के तजुर्बों का बयान और तशरी करती है, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। नेक्स्ट है, तालीमी नफ्सियात तालीम का इल्म है, किसने कहा है? पील ने कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंट्रोस्पेक्शन यानी एहतसाब, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एहतसाब यानी वो खबर जो दिमाग खुद अपने अफाल के बारे में हासिल करता है। लॉक जैसे क्वेश्चन बन सकता है, एहतसाब यानी वो खबर जो दिमाग खुद अपने अफाल के बारे में हासिल करता है, ये किसने कहा है? तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लॉक ने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो इस तरह के सवाल अक्सर TET एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इंट्रोस्पेक्शन इज़ द नोटिस विच द माइंड टेक्स ऑफ इट्स ओन ऑपरेशंस। नेक्स्ट है, एहतसाब यानी खुद के अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्शन इज लुकिंग विद इन, किसने कहा है? टिशनर ने कहा है। नेक्स्ट है, एहतसाब करना यानी खुद के दिमागी अफाल को बाकायदा तरीके से जानना, किसने कहा? स्टॉट ने कहा है। टू इंट्रोस्पेक्ट इज टू अटेन टू द वर्किंग ऑफ वंस ओन माइंड इन अ सिस्टमेटिक वे। नेक्स्ट है, खुद का मुआयना यानी एहतसाब, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज द इंट्रोस्पेक्शन। इसके बाद हम हेरिडिटी यानी तवारुस की डेफिनेशंस देखेंगे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए। तवारुस में वो सभी बातें शामिल है जो ज़िंदगी की शुरुआत करते वक्त, पैदाइश के वक्त नहीं बल्कि पैदाइश से 9 माह कबल हमल करार होने के वक्त फ़र्द में मौजूद होती है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है।
हेरिडिटी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एट द टाइम ऑफ बर्थ बट बिफोर 9 months ऑफ बर्थ एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। नेक्स्ट है, फर्द के तवारुस में वो सब जस्मानी बनावटें, जस्मानी खसूसियात और कुवतें शामिल रहती है जिनको वो वालदैन, आबा व अजदाद या नुए इंसानी से हासिल करता है। किसने कहा है? डोगलस और हॉलैंड ने कहा है। वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्ट्री और स्पेशीज, डोगलस एंड हॉलैंड। नेक्स्ट डेफिनेशन है, वालदैन की जिस्मानी और ज़हनी खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होना तवारुस है, जेम्स ड्रीवर। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट टू द चाइल्ड, जेम्स ड्रीवर। इसके बाद इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन हम देखेंगे। जीन्स के अलावा फ़र्द पर असरअंदाज होने वाली हर शय माहौल कहलाती है। ये किसने कहा है? बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने कहा है। द इन्वायरमेंट इज़ एवरी थिंग डैट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है, माहौल में वो तमाम बैरूनी अज्जा शामिल है जो फ़र्द को उसकी ज़िंदगी के आगाज से मुतासर करते रहते हैं। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। इसे भी आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स डैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। नेक्स्ट है, माहौल वो बैरूनी कुवत है जो हमको मुतासिर करती है, रॉस ने कहा है। माहौल वो बैरूनी कुवत है जो हमको मुतासिर करती है। इन्वायरमेंट इज डैट एक्सटर्नल पावर विच इन्फ्लुएंसेस अस। इसके बाद डेफिनेशन है मोटिवेशन यानी तहरीक। तहरीक सरगर्मी को पैदा करने, जारी रखने और बाकायदगी से करने का अमल है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। किसने कहा है? गुड ने कहा है। नेक्स्ट है, तहरीक ये नफ्सियाती या अंदरूनी अमल है जो किसी ज़रूरत के बायस होता है और ऐसे अमल की तरगीब देता है जो उस ज़रूरत को पूरा करे। यानी ये ऐसा नफ्सियाती या अंदरूनी अमल है जो किसी ज़रूरत या नीड के बायस होता हो और ऐसे अमल की तरगीब देता है या मोटिवेट करता है जो उस ज़रूरत को यानी नीड को पूरा करे। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस initiated for some need and leads to an activity which will satisfy that need. Next definition है, तहरीक नफ्सियाती या जस्मानी कैफियत है जो फ़र्द की कोशिशों में इजाफे का सबब होती है ताकि वो अपनी ज़रूरियात या ख्वाहिशात की तशफी कर सके। किसने कहा है? सोरेनसेन ने कहा है। मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल conditions that causes one to expand effort to satisfy the needs or wants. Next definition है personality, ये भी बहुत ज़्यादा important topic है CDP का। शख्सियत, शख्सियत उन तमाम कारकर्दगियों का मजमुआ है जिनकी दरियाफ्त हकीकी मुशाहदे के ज़रिए तवील वक्फे में काबिल एतमाद मालूमात हासिल करने के लिए की जाती है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज डेट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, शख्सियत फर्द की तमाम हयाती व पैदाइशी मिजाज, ख्वाहिशों, रुझानात, चाहतों और जबल्लतों के साथ तजुर्बात के जरिए हासिल की गई मिजाज और रुझानात का मजमुआ है। किसने कहा है? मोर्टोन प्रिंस ने कहा है। पर्सनैलिटी इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल इनेट डिस्पोजिशन एंड टेंडेंसीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, मोर्टोन प्रिंस। नेक्स्ट है,
शख्सियत फ़र्द के अंदर उन नफ्सियाती व जिस्मानी निज़ामों की तगैयुर पज़ीर तंजीम है जो इसके माहौल से इसके मुनफरद तालमेल का तायुन करती है। किसने कहा है? ऑलपोर्ट ने कहा है। पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स डेट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तो देखिए, ये थी CDP के कुछ डेफिनेशन जो कि अलग अलग माहिर नफ्सियात ने दी। इसका दूसरा पार्ट भी जल्द अपलोड किया जाएगा जिसमें और भी थेरीज और डेफिनेशन का जिक्र किया जाएगा।